नमस्कार मैं कपिल देव अग्रवाल विधायक विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और मैं मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ दो से 11 तक और तीसरी बार एम एल हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर देखिए मैं पहले से ही अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ा रहा लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने काम किया तो जिसके कारण से लगातार लोगों का जुड़ाव और वहाँ की समस्याएँ और सबसे बड़ी बात ये पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के कारण से अधिकारियों से मिलना उनसे बातचीत करना उनसे आवश्यकता पड़ी तो लड़ना तो ऐसा लगातार चलता रहा तो जिसके कारण से एक लंबे संघर्ष के बाद 2006 में मुझे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए और तब तो मैं बाईस हज़ार मतों से मुजफ्फरपुर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ मुजफ्फरपुर नगर पालिका उत्तर प्रदेश की बड़ी पालिकाओं में से है और हमारे पच्चीस सभासद पैंतालीस में पच्चीस सभासद जीत करके आए एक शानदार का पूरे पाँच वर्ष हमने मिलकर के अपने सभा किया जनता में भरपूर काम किया समस्याएँ तो होती हैं पर उन समस्याओं के तत्परता उनके प्रति समर्पण उनके प्रति लगाव और सबसे बड़ी बात यह कि क्षेत्र की जनता के बीच में हर समय उपस्थित थी और उसी का परिणाम था कि 2016 में एक उपचुनाव हुआ जिसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया टिकट लेता तो हम उपचुनाव में यानी समाजवादी पार्टी सरकार थी और हम भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता हैं तब भी समाजवादी पार्टी सरकार होते हुए भी हमको जनता के लोगों ने आशीर्वाद दिया हम वहाँ से निर्वाचित हुए विधायक बने उसके बाद सत्रह में मुख्य चुनाव हुआ सत्रह में निर्वाचित हुआ और मुझको बाई इलेक्शन मिड सेशन में इंडिपेंडेंट चार मिनिस्टर बनने का मौका मिला और तीसरी बार फिर चुनाव हुआ 2022 में तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुझको दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला देखिए अगर बड़ों की बात करूं दो प्रकार के आदर्श हैं परम पूजी दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने कहा बहुत सादा उनका वेशभूषा है फटी सी धोती है एक अंगोछा कंधे पर है फटी सी पुरानी सी जैकेट है उसके बावजूद उनका जीवन उनका व्यक्तित्व उनका कर्तृत्व उनकी शैली उनका विचार वो राष्ट्रीय स्तर का है उन्होंने कहा कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और हमको लगता है राजनीति का ये सिलसिला बड़ा वाला मूल मंत्र है कि राजनीति क्षेत्र में आते हैं तो जो बहुत गरीब है निर्धन है झोपड़पट्टी में रहता है गरीब है और वो ना समाचार पत्र पढ़ता है ना टेलीविजन देखता है ना सोशल मीडिया देखता है ना उसके पास वो जाता है पर उम्मीद करता है कि मेरा भी कुछ कल्याण हो तो दीनदयाल जी ने कहा कि नहीं उनके भी चेहरे पर मुस्कान आए ये सरकारों का जनपदों की जिम्मेदारी है तो बोलता दीनदयाल उपाध्याय जी इस रूप में और बाद में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनकी कार्यशैली उनकी लोकप्रियता उनकी तत्परता और उनका विजन जिस प्रकार का विजन उनका रहा अपने प्रदेश के लिए और जैसे तेजी से और जब वहाँ के लोग हमको बताते थे गुजरात के लोग तो बताते कि नहीं कितना शानदार उनका काम है कितनी शानदार फास्ट उनकी वर्किंग है इंडस्ट्री के लिए वन विंडो सिस्टम उन्होंने शुरू किया कि सबकी समस्या का समाधान एक ही जगह होगा और प्रदेश की और देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया दो में प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की और वे योजनाएँ जिनके बारे में कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं शौचालय के बारे में बिजली के बारे में बैंक के खातों के बारे में जन 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 कल्याण योजना के बारे में तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो गरीब लोगों के कल्याण के लिए थी हमको लगता है मोदी जी हमारे भी अब पूरी दुनिया के आजाही कौन है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में जिनका अपना कुछ नहीं जो कुछ है प्रदेश का है प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं और शानदार तरीके से काम कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर उन्होंने नियंत्रण करने का काम किया सरबरा पूरे प्रदेश के अंदर लगातार विकास हो रहा है मुजफ्फरनगर में भी भरपूर काम उनके आशीर्वाद से उन्हें ज्ञान तो संतों का होता है पर हमारा तो ये है कि भाई जनता के प्रति समर्पण हमारा अपना कुछ नहीं जब जनता ने हमको यानी मेरा एक मूल मंत्र है कि स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत है हम स्वम रानी क्षेत्र में आए हमको घर से बुला के नहीं लाया जब हम स्वम आए हैं तो नो स्ट्रेस समर्पण सेवा और सबका सुशासन सबका कल्याण जितना अधिक से अधिक हम सेवा लोगों कर सकें उस संकल्प के साथ जनता सर विशेषता है लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये हम ताकत ताकतवर सत्ता में कितने बड़े ताकतवर हों उसके बावजूद भी जनता को हमारे खिलाफ़ बोलने का हमारे विरुद्ध बोलने का हमारे विरुद्ध बयान देने का और ये उसको दिखाया लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी जो अनुकूलता है सबसे बड़ी अच्छाई है वो यही है कि लोकतंत्र में हम मालिक नहीं हैं हम सेवक हैं हम उसके केयरटेकर हैं जो व्यवस्था हूँ हमारा मैं मंत्री हूँ या विधायक हूँ मैं वहाँ का मालिक नहीं हूँ मैं वहाँ केयर टेकर हूँ जो ज़िम्मेदारी मुझको मिली मैं उसका सही से पालन हूँ और कोई भी व्यक्ति आकर के सीधे सीधे हमसे बात कर सकता है मिल सकता है हमारे खिलाफ़ बोल सकता है विधानसभा में खड़े होकर हमारे खिलाफ़ बोल सकता है अपनी बात कह सकता है ये लोकतंत्र में का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे एक खेत में काम करने वाला मजदूर हो चाहे जूता गाँटने वाला श्रमिक हो सबको लोकतंत्र में समान अधिकार है सबका एक ही वोट है और एक वोट का मतलब ये है कि सबको समान रूप से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है की बड़ी बात करते हैं प्रोफेशनल बिजनेस भी देखना पड़ता है लेकिन पर्सनल बात की है कि एक तो टाइम सेविंग करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में से मैक्सिमम छः घंटे हाल तो पांच या साढ़े पांच घंटे में सोता हूँ मैक्सिमम छह घंटे और जितना समय मिलता है उसमें से नहना धोना थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए योगासन एक्सरसाइज और मेरी कोशिश रहती है कि जनता के बीच में मान लो सुबह उठे हम कंपनी बाइक चले गए स्टेडियम चले गए तो दोनों काम हो जाते हैं घूमना फिरना भी, भी हो जाता है मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और जनता से मिलना भी हो जाता है स्टेडियम गए तो बच्चों के साथ खेल लिए तो उनसे मिलना जुलना भी हो गया यानी एक तरीके से क्षेत्र में संपर्क भी हो गया और हमारा फिजिकल फिटनेस भी हो गया तो ये और बाकी फिर दो तीन घंटे हम समय बिजनेस के लिए भी देते हैं परिवार के लिए देते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 24 घंटे अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध हूँ 24 घंटे मैंने इसलिए कहा कि रात को भी कोई इमरजेंसी होती है तो रात को भी इमरजेंसी में उनको हम अटेंड करते हैं बात करते हैं बड़ा पे सुबह के लिए आधारित मैं अपना वो अच्छा नेता नहीं, नहीं मानता मेरे की जनता मुझको अच्छा नेता माने तो मैं अच्छा नेता बनूंगा पर मेरी ताकत ये है कि मैं जनता के लिए हर समय अवेलेबल हूँ मेरा एक स्लोगन है दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ तो इसी स्लोगन में, में मेरी पूरी ताकत है मैं कभी ये महसूस नहीं करता कि यार लोग उनको परेशान कर रहे हैं ज़्यादा लोग आ गए ज़्यादा भीड़ आ गई ज़्यादा लोग काम बता रहे हैं कभी कभी ऐसे काम भी लोग बताते हैं जो नहीं होने लायक होते हैं कभी कभी रॉन्ग ट्रैक में भी जाके भी लोग बात करते हैं जो काम इलीगल होते हैं वो भी बताते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा रहती है कि हम कपिल देव जी के पास या अपने विधायक के पास या अपने मंत्री के पास जा रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान होगा लोग गलत काम करके भी हमारे पास आते हैं झगड़ा करके मार पिटाई करके आ, एक तरीके से आ, सरकार का कर चोरी करके भी लोग हमारे पास आते हैं पर हमारी कोशिश कोशिशेंगे हमारे पास आया तो संतुष्ट होकर के हमारे पास जाए ये हमारा शस्त्र भी और हमारा प्रयास भी अब राजनीति में बात यह है कि जैसे मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा तो एक बार मैं बीजेपी से हूँ कांग्रेस के लोगों ने हमारे खिलाफ धरना दिया एक शिवमूर्ति हमारे जगह है हमारा विरोध करने के लिए चूँकि हम बीजेपी से हैं तो कांग्रेस धरना दिया कि साहब चेयरमैन हैं और ये नहीं डिफरेंट टाइप की बातें तो मुझको मीडिया के लोगों ने बताया कि कांग्रेस के, के लोग शिवमूर्ति तुम्हारे खिलाफ़ धरने में बैठे तो बजाय उनकी इंतजार करने के मैं वहाँ से उठा और उठ करके मोटरसाइकिल बैठा और मोटरसाइकिल बैठ करके सीधा धरने में जाके बैठ गया जब धरने के बीच uh में हम पहुँचे तो धरने के बीच में जाते के साथ ही वे कांग्रेस के लोग वो मैदान ही छोड़ करके भाग के जाओ धरने में बैठे थे हमने कहा भाई हमको समस्या बताइए हम तुम्हारी समस्या सुनने के लिए समाधान करने के लिए तैयार हैं तो यानी जनता के बीच में इतनी अप्रोच मैंने बना कर रखी उसके बाद मेरे विरुद्ध मुजफ्फरनगर में आज तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ राजनीति एक शॉर्टकट नहीं है राजनीति शॉर्टकट नहीं है और परिश्रम जनता में लोगप्रिता और सबसे बड़ी बात है कि आपका व्यवहार कैसा है अब अब तो चूंकि लेटेस्ट मॉडर्न युग हो गया है सोशल मीडिया का युग है तो पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है हालांकि लोकतंत्र में पढ़ाना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है पर जरूरी है जरूरी तो चूँकि तो आप अपने टॉपिक को जानेंगे चीज़ों को जानेंगे तो जल्दी कवर करने में सावधानी होगी पर मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आने की इच्छुक हैं उनको सबसे पहले अपना मन बनाएं राजनीति न कमाई का धंधा है न कमाई का रास्ता है और परिवार के लिए भी उतना समय नहीं है जितना परिवार समय मांगता है समर्पित भाव से अपना व्यवहार को उचित रख करके और ऊंचा विचार रखें सेवा के भाव से अगर आप पाएंगे तो राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ें पाने की इच्छा से आएंगे तो राजनीति क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे बहुत अच्छा है मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को राहुल राहुल गांधी जी को जिन्होंने इतना बड़ा विज़न रख कर के इतना बड़ा आंदोलन इतना बड़ा कार्यक्रम किया देश भर के विधायक बुलाए और बात खर्चे की नहीं होती है खर्चा तो ही केवल खर्चा नहीं है मन कितना बड़ा है सोच कितनी बड़ी है विज़न कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण है खर्चा तो वो या खर्चा इतना खर्चा तो वो लो लोग भी कर सकते हैं पर अगर विजन क्या आप सोचते क्या है सबको एक मंच पर इतनी सारी राजनीतिक पार्टियाँ देश भर के अंदर इतने सारे प्रदेश विभिन्न भाषाएं विभिन्न संस्कृति विभिन्न बोलचाल विभिन्न रहन सहन विभिन्न खान पीन और सबको एक साथ रहना व्यवस्थाएं भोजन होटल एक साथ कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे सेशंस भी हुए उसमें भी बहुत सारे अनुभवी लोगों का आशीर्वाद मिला ज्ञानवर्धन भी हुआ और हम भी समझते कि नहीं हम राजनीति में थोड़ा निखर गए हैं या हमको जानकारी हो गई है बहुत सारे विषयों को यहाँ के बाद मिला जो हमको सीखने रहे अभी अभी लगातार सीखते रहेंगे चरे व्यती चरे